गाइस यार, अभी ना बड़ा खतरनाक सीन हुआ है। हमारे घर के बाहर से बाघ आया है अभी। यस भाई, टाइम कितना हो रहा है? टाइम दिखाओ तो जरा भाई। टाइम हो रहा है, देखो 10:08 ही हो रहा है रात के। एंड यहाँ पे से मतलब ना गाइस, ये दीवार से यहाँ पे से हमारे घर से सीधे ऊपर को भागा है। अब देखिए, और मेरी मम्मी नहीं देखा वो। मैंने भी तो पहले लंगूर बताया, मैंने कहा इतना बड़ा लंगूर, फिर जब उसकी इतनी वो देखी ना पूछ मोटी। कहाँ से कूदा हो ऐसा? ये ऐसा है, यहाँ पे ये तो कूदा है। तुम नहीं देखा ना? हाँ, मैंने गुड्डी ने भी तो देखा बल। अच्छा, उन्होंने भी देखा? गुड्डी घूम रही थी बल, वो कह रही और नीचे से आया बल, नीचे से, नीचे से रोड रोडी। अच्छा, ये गाइस ये नीचे से ही आया रोड रोडी। ये रोड रोडी आया, ये ईट गिरी ना ये जब चढ़ा यहाँ से। तुम तो कह रहे थे यहाँ से आया। उछाल, मैंने यही से मारते हुए देखा ना उछाल। अरे अब तो टॉर्च लगा रहा हूँ मैं, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है टॉर्च का। देख लेते हो, क्या पता उनकी गोट को चले गया हो, लूटो को। हाँ, ये बात भी है। निखिल भाई बाघ दिखा फिर। यस भाई, लपड़ दिख गया है आज तो। हमने नहीं देखा, मम्मी नहीं देखा। नीचे को देख रहे हैं क्या? नीचे को तो नहीं है, उसके बच्चे बच्चे कुछ। कितना बड़ा है? अच्छा अच्छा इतना बड़ा है, मतलब फुल फुल ग्रोन अप ही होगा फिर। पूंछ कितनी मोटी थी? इतनी मोटी। अच्छा, चिड़ियाघर में रेस्क्यू सेंटर वाले लेपर्ड है, लेपर्ड है वो। बाघ नहीं, बाघ नहीं बोलते उसे, लेपर्ड बोलते हैं। हाँ, तेंदुआ। हाँ, गुलदार। गाइस अब देखिए मॉर्निंग हो गई है, एंड जो लेपर्ड आया था ना रात को, देखिए अब यार ये हमारा घर का बिल्कुल अंदर का एरिया। देखिए ये गेट है, ये अंदर है। एंड ये जो दीवार है ना गाइस, यहाँ पर उसने जम मारी है, क्योंकि थोड़ी टूटी हुई है तो ईंट गिरी नीचे, एक ईंट नीचे गिरी। एंड यहाँ पे से गाइस उसने सीधे जंप यहीं पे मारी है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मतलब अगर हम देखें तो अराउंड पे ये 10-12 फिट है। सो 10-12 फिट की जंप आराम से लेपर्ड ने मार दी है। अब सोच लीजिए यार, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी तगड़ी होती है उसकी। मैं यहाँ पे से दिखाता हूँ। एंड जो पता लगा ना गाइज, वो आया वो रोड से, नीचे वाली रोड से आया, यहाँ पे से सीधे हमारी ये वाले दीवार पे चढ़ा। एंड यहाँ से सीधे दूसरी जंप उसने जो गड्ढा कर रखा है यहीं पे ली। एंड इसके बाद सीधे इस साइड से ऊपर को गया, तो बड़ा रिस्की है मामला। चलिए आज हम एक बढ़िया जगह लेकर जा रहे हैं आपको। सो, मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी हमारे सूटी से मिल लीजिए। सूटी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? चलिए ये भी मस्त हो रहे हैं, मैं रेडी होके मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों फाइनली यार रेडी हो गए हैं, एंड आज हम जा रहे हैं आपको बहुत ही तगड़ी जगह दिखाने के लिए। दोस्तों आज हम परीताल को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि दोस्तों जंगलों के बीच में है। एंड मैंने भी वो आज तक नहीं देखी है, वैसे हमारे वहाँ से थोड़ी ही दूर है, 17 से 18 किलोमीटर दूर है। सो आज वहीं चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं जंगलों के बीच में वो ताल है, एंड थोड़ी रहस्यमय वाली ताल है। अगर आप परीताल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि यार उस जगह का क्या रहस्य है, तो आप सर्च कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज हमारे साथ देखिए निखिल भाई चल रहे हैं अपनी R15 के साथ, साथ में गाइस यश भाई भी चल रहे हैं अपनी R15 के साथ। यश भाई हाथ हिला दीजिए। तो अभी तो हम रोड पे आ गए हैं, अब यहाँ से सीधे निकलते हैं, एंड दो भाई और चल रहे हैं, उनको सबसे पहले पिकअप करते हैं साथ में। दोस्तों यार कल रात का जो सीन था वो तो मैंने आपको दिखाया, सुबह मॉर्निंग में दिखाया वो एरिया। मतलब यार 10-12 फीट की लेपर्ड ने जंप मारी है, एंड यार रात को मतलब 10 बजे ही वो हमें देखने को मिला है, मतलब मेरी मम्मी को देखने को मिला हो। सो खतरा जो है ना इस जगह में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड रिसेंटली दोस्तों इसी रोड पर, ये जो रोड है इसी रोड पर, मेरे को और मेरे भाई को ना लेपर्ड भागते हुए दिखा है, और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था, वो था अराउंड 7 या 7:30 बजे का। सो मतलब खतरा ना दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लेपर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंड 7 से 10 बजे के बीच में ही यार वो मतलब गांव में आ जा रहे हैं, तो खतरा बन चुका है बहुत ज़्यादा वाला। तो यार अभी चलते हैं, बाकी अगर लेपर्ड साइड हो जाएगा कभी तो वीडियो आपको मिल जाएगा ज़रूर से। तो गाइस यार फाइनली हम पहुँच गए हैं भवाली पे, एंड देखिए अपने राइडर दीनू भाई चल रहे हैं साथ में, गौरव भाई चल रहे हैं साथ में, एंड एक भाई और चल रहे हैं साथ में, अभिषेक भाई।
साथ में दो भाई तो हमारे साथ ही आए हैं घर से। गाइस सबसे पहले हमें खुटानी जाना है, खुटानी पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाना है, कहाँ को जाना है, वहीं पे मिलते हैं सीधे। तो सब लोग रेडी हैं? चलो फिर। बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो यहाँ से अभी हमें ऊपर जाना है, यहाँ से काफी पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से पतिताल पड़ती है, तो ये खुटानी है, खुटानी से यहाँ से ऊपर कट देना है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। तो हम पहुंच गए हैं विनायक, सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोड, तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं चाफी में। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने अपनी सारी बाइक्स पार्क कर दी हैं, यहाँ पे से दोस्तों 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें पैदल चलना पड़ेगा। सो भाई लोगों सारे एक्साइटेड हो पैदल चलने के लिए? हाँ बिल्कुल। चलो फिर बढ़िया। चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं एंड अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। रास्ते का तो काफ़ी बढ़िया था, थोड़ा सा ऑफ रोड मिला जो कि आपने टाइम लैप्स में देख लिया होगा। बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ मैं आपको इस जगह को, ये देखिए गाइस कितनी प्यारी जगह है एंड अच्छी फैसिलिटी है, मतलब पार्किंग पूरी दे रखी है यहाँ पे, आप अपनी गाड़ी बाइक कुछ भी हो पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा फील्ड है एंड यहीं पे से रास्ता है। अब चलते हैं उधर ही को, चलें फिर आओ आओ। तो गाइस यार देखिए पार्किंग तो हमने कटा दी है, 30 रुपये पर पर्सन की पार्किंग है, मतलब पर बाइक की पार्किंग हमारी कटी है। साथ में गाइस यहाँ पे हम देखिए लाइफ जैकेट भी मिलती है, अगर आप लोग तैरना के शौकीन हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ी बहुत डिटेल इस जगह में लिखी गई है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। परिताल के लिए रास्ता देखिए यहाँ को गया है एंड यहाँ पर देखिए जो बी होता है उसका भी बिजनेस कर रखा है। अब हम यहाँ से चलते हैं, पूरा ऑफ रोड ट्रैक है।
मजा आएगा। पानी तो यहीं से दिखने लग गया है, मजा ही मजा है। पानी की आवाज भी आ रही है, देखते हैं। 2 किलोमीटर बता रहे हैं चलना है, भाई लोग भी सारे चल रहे हैं आगे से, फर्स्ट टाइम ही है यहाँ ना। गाइस देखिए, आधे रास्ते में तो पहुँच गए, एंड यहाँ पर नज़ारा देखिए एक बार आप। सारे भाई लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। और ये है रास्ता देखिए, पूरा पत्थरों वाला। एडवेंचर भी हो रहा, क्यों गौरव भाई तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ? वैसे फर्स्ट टाइम ही है ना। अच्छा अच्छा, ये रास्ता क्या होगा? नहीं यहाँ से जाना पड़ेगा पत्थरों से, चले फिर। और गाइस देखिए, पूरा जंगलों के बीच से रास्ता है। यहाँ पे तो वाइल्ड एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते होंगे, लेपर्ड भाई का तो टेरिटरी होगी ये जगह। तो गाइस यार, यहाँ पे से मेरे ख्याल से उस साइड में जाना है अब हमने, देखते हैं। अब ये नदी को पार करना पड़ेगा, वैसे छोटी है यहाँ पे पार करने के लिए। अरे यहाँ पत्थर लगा रखे हैं, चलो सही हो गया। पहले उसी साइड थे, फिर इस साइड आए, अब उस साइड ही जा रहे हैं। रास्ता बड़ा भयंकर है, पर पत्थरों वाला पूरा। और पानी की आवाज़ भी कितनी बढ़िया लगती है। अब ऊपर को चलते हैं, पहुंचने वाले होंगे मेरे ख्याल से अब। तो गाइस यार पहुंच तो गए हैं, अब यहाँ पे से भी ये पत्थर पत्थर चढ़ के जाना है, यहीं से जाना होगा मेरे ख्याल से। हाँ मज़ा तो आ रहा है ट्रैक करने में, ऐसी बात नहीं है। लग रहा उसके पीछे होगी ना। तो वहाँ देख के आ जाएंगे। हाँ जरा देख के आओ यार, दो लड़के जाके आ रही आवाज, हो सकता है वहीं हो फिर। चलो चलते हैं फिर, उधर ही को चलते हैं। दिख तो रहा रास्ता, क्या पता इसके बाद शुरू हो। पानी भी दिख रहा है यहाँ तो, देखो गाइस तरीताल वाला पानी होगा ये। ये कैसे जाना है यहाँ से? यहाँ से तो जाना भी डेंजर हो रहा है। एडवेंचर है गाइस। बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाली जगह है ये तो। अरे निको निको भाई है क्या? है जैसे भाई यार, थोड़ी हेल्प कर यार। तो गाइस भाई लोग तो देखिए वहाँ पे जाके बैठ गए यार। ये ऐसे रास्तों से आना पड़ रहा है, मतलब सोचा नहीं था ये इतना डिफिकल्ट होगा आना यहाँ, बट कोई नहीं आ ही गए हैं। पहाड़ों में चढ़ चढ़ के पत्थर देखे, ये देखिए। और गहरा भी बहुत है यार गाइस, गाइस ये तो देखिए फरीताल है, पर आना देखिए कैसे बढ़ रहा है नज़ारा। तो कतई जन रहा, बहुत अल्टीमेट व्यू हमें देखने को मिलता है। पानी की आवाज़ भी जो है गाइस बढ़िया आ रही है, ये देखिए ये नज़ारा। तो गाइस देखिए, ये है परिताल का व्यू, बहुत ही शानदार है। मतलब रास्ता तो इस टाइप का है कुछ, बट यहाँ से जो बीच में ये ताल है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है देखने में। एंड पानी की आवाज़ आप सुनिए कितनी बढ़िया लग रही है। हम तो यहाँ बैठ गए पत्थर में एंड पानी की आवाज़ सुन रहे हैं, माइंड जो है ना
एकदम शांत हो जा रहा है, रिफ्रेश कहेंगे वो चीज़ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ के कुछ सिनेमैटिक्स दिखाते हैं, बाकी फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा कि आपको आना चाहिए इस जगह में या नहीं आना चाहिए। निखिल भाई कैसा रहा वैसे अभी तक का ट्रैक? तगड़ा रहा ना? हाँ ये तो चलिए सिनेमैटिक देखिए आप इस जगह के, फिर मिलते हैं आपसे। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ गिराते हैं, और तू ही मेरे दिल की रज़ा है, तेरे बिना दिल विकमाल। गाइस यार सिनेमैटिक्स तो आपने इस जगह के देख लिए होंगे। एक भाई हमारे दिल्ली में एक्टिंग कोर्स कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी अपनी एक्टिंग स्किल्स आपको दिखाएंगे कि यार उन्होंने अभी तक क्या सीखा है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। सुबह उठो और भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तक एक बार फिर मर जाओ। क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के घिनौने समझौते कर चुका है, लेकिन साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अरे ऊंची दुकान, फीका पकवान, कद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेमान, फिर भी मेरा देश महान। ये टोपी लगाए मच्छर कहता है। अरे क्या कहता है मच्छर है? अरे टोपी लगाए मच्छर कहता है। तो भाई अब एक और एक्टिंग करके दिखाने वाले, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम क्या हो? धड़कनों का गीत हो तुम, मेरे जीवन का संगीत हो तुम, मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, मेरी मौसी, मेरी ताजगी, मेरी हर खुशी हो तुम, मेरी प्रीत हो, मनमीत हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की एक धूप है, चंदन से तराशा है ये बदन, इसमें बहती है एक अगन, ये नदियां, ये पहाड़, ये वादियां, आय हाय क्या खूब है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अरे कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, अरे कैसे बताऊं मैं तुम्हें? ये जो पंछी है, ये जो वादियां हैं, ये जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, क्या खूब है, क्या मस्त है, आए हाय आए हाय आए हाय, अरे कैसे बताऊं मैं तुम्हें। तो गाइस फाइनली यार हमने आपको परिताल पूरे डिटेल में दिखा दिया, एंड जगह दोस्तों बहुत अच्छी है। बट यार मैं अगर अपना एडवाइस बताऊं ना, जो लोग मतलब तकलीफ वाले हैं, जिनके पाँव में दर्द है, वो लोग अवॉइड करिए, एंड जो सीनियर सिटीजन है वो भी इस जगह को आने में अवॉइड ही करिए, मतलब बहुत टफ है चलना। क्या कहते हैं गौरव भाई इस बात पे? सही बात है ना, मतलब जैसे मतलब लड़के तो चल जाएंगे, बट ये है कि जिनके दर्द है, हाथ पांव में दर्द है, देखा लोगों को, हाँ मतलब कुछ लोग तो आधे से चले गए थे, तो और दूर भी बहुत ज्यादा है, पत्थरों में चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है, पानी भी है, अगर घुस गए पानी में तो वो भी खतरा है। मेरे हिसाब से मतलब लड़के लोग अगर इस ट्रैक को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जगह बहुत अच्छी है, मतलब जगह देख के तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा नहीं इतनी दूर जाके इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। सो आज का व्लॉग में मेरे हिसाब से आपको बहुत मज़ा आया होगा, बाकी सारे भाई लोग भी अब थक चुके हैं। हम स्टार्टिंग में मतलब जब धूप नहीं निकली थी तब गए थे, अभी तो बिल्कुल धूप आ गई है, और वापसी में मतलब बहुत भारी पड़ा आना ना। सो गाइस रात का भी सीन मैंने आपको दिखाया कि यार लेपर्ड हमारे घर के बाहर ही आ गया था, बहुत बहुत खतरनाक सीन हो गया था, मतलब वो मेरी मम्मी ने देखा। अच्छा। मम्मी ने देखा और उनके हल्ला करने तक वो भाग गया। कितने बजे का आसपास था यार? 10 बजे का टाइम था। तो दिन में आता 1 बजे। वो ये गाइस यार पहाड़ों में मतलब क्या है ना कि जानवर का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, ये जगह भी मतलब ऐसी है कि यार बीच में है बिल्कुल जंगल के। सो एडवेंचर है काफ़ी अच्छा, अगर आप लोग ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं, नेचर से प्यार करते हैं, वाइल्ड लाइफ पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर से इस जगह को विजिट करिएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।